रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने और मांग बढ़ने से मक्का की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मक्के की मांग काफी बढ़ी है। वहां पर इसका इस्तेमाल मुर्गियों और मवेशियों के चारे के रूप में होता है। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और गल्फ देशों से भारी मात्रा में मक्के की डिमांड आ रही है। खरीफ सीजन के समय का मक्का खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत है वह MSP के 1870 रुपये क्विंटल के मुकाबले 2200 रुपये क्विंटल से 2500 रुपये क्विंटल तक बिक रहा है। दुनिया के कुल मक्का निर्यात का 16% हिस्सा अकेले यूक्रेन का है। युद्ध के कारण निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसका असर कीमतों पर साफ देखा जा रहा है। अभी भी मक्का की कुछ किस्मों का निर्यात वियतनाम और इंडोनेशिया को किया जा रहा है। वहीं ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से बांग्लादेश को भारी मात्रा में मक्के का निर्यात किया जा रहा है। एक्सपोर्टर्स काफ़ी सीमित मात्रा में ऑर्डर्स ले रहे हैं, क्योंकि माल की उपलब्धता और ट्रांसपोर्ट की काफ़ी समस्या है। देश का मक्का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 10 महीने अप्रैल से जनवरी के दौरान 28.5% बढ़कर 81.63 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में मक्का निर्यात 63.48 करोड़ डॉलर रहा था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। बांग्लादेश और नेपाल भारतीय मक्के के प्रमुख खरीदारों में से एक हैं। पहले 10 महीने में बांग्लादेश ने भारत से 34.55 करोड़ डॉलर के मक्के का आयात किया। नेपाल का आयात इसी दौरान 13.21 करोड़ डॉलर रहा। अन्य प्रमुख आयातकों में वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, ताइवान और ओमान शामिल हैं। मक्का भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरा महत्वपूर्ण अनाज है। इसकी खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में मक्के का उत्पादन पूरे साल होता है। यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। इस सत्र में मक्के के 85% क्षेत्र में खेती होती है। वही जानकारों के अनुसार विदेशों में मक्के की कीमतों में उछाल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पोल्ट्री में ही नहीं बल्कि बायोफ्यूल के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते मक्के की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर मक्के की सप्लाई पर पड़ा, जिससे मक्का महंगा हुआ है। मक्के के महंगे होने से बायोफ्यूल बनाना महंगा होता है, पोल्ट्री उद्योग की लागत बढ़ती है। रूस यूक्रेन के युद्ध से खाद की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिससे मक्के की खेती करना भी महंगा हो जाएगा। इसकी वजह से भी मक्के की कीमतों में उछाल जारी है। जानकारों के अनुसार साल 2022-23 में मक्का समेत अन्य मोटे अनाजों में उछाल रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।